आजकल बच्चे उतना ज्यादा किताब नहीं पढ़ते हैं, तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसे ई बुक्स भी पढ़ लेते हैं आजकल लोग तो। देखिए, समय के मांग के हिसाब से आज अभी उधर डाइवर्ट हुए हैं, लेकिन फिर इधर की ओर डाइवर्ट होंगे। प्रिंट मीडिया के आगे कोई अभी इसका कोई प्रभाव नहीं है। अभी नया नया आया है, अभी बच्चे लोग उसके प्रति उत्सुक है। फोन जो चीज पुस्तक में मिलता है वो फोन में नहीं मिलता है। ये 16 सूत्रों पर आधारित ऐसी विधि है कि कोई भारी से भारी बड़े से बड़ा कैलकुलेशन आप 5 सेकंड में कर सकते हैं बिना कॉपी पेन कैलकुलेटर। यहाँ सब मल्टीपर्पज सभी तरह की किताबें, साहित्य भी है, धर्म से संबंधी है, राजनीति से भी है, बच्चों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है। और उसका हिंदी वर्जन है, आपका भविष्य आपके हाथ में, स्पिरिट ऑफ इंडिया। आज हम आपको राष्ट्रीय पुस्तक मेला में लेकर आए हैं। समय इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक मेला जिला स्कूल मैदान में आयोजित किया गया है। यहाँ पर आपको तरह तरह के पुस्तक मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ तक अभी तक नहीं आए हैं तो आपको बता दें कि 7 जनवरी तक ये पुस्तक मेला यहाँ लगा हुआ है। आप यहाँ पर आके किसी भी तरीके के बुक जो है वो खरीद सकते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो या फिर बड़ों के लिए। बच्चों के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ झारखंड के इतिहास से जुड़ी हर किताब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने तरीके के बुक यहाँ पर मौजूद है। और मैं आगरा से आया हुआ हूँ यहाँ पे बुक फेयर, रांची बुक फेयर के लिए। हम लोग 29 तारीख से यहाँ पे अवेलेबल है 7 जनवरी तक। हम लोगों के पास जो किताबें हैं वो UPSC से लेके PCS लेवल तक की है। हमारी मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है प्रतियोगिता दर्पण, जो हर महीने 1.5 करोड़ छपती है। ठीक है, बाकी प्रतियोगिता दर्पण हो गया, फिर उपकार प्रकाशन में बैंक, SSC, रेलवे, SI, डिफेंस, ग्रुप डी तक की किताबें आती है। और रांची बुक फेयर का रिस्पॉन्स जो है बहुत ही अच्छा भी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं? हाँ, रेगुलर स्टूडेंट आ रहे हैं, रेगुलर शाम में 7 बजे तक हमेशा स्टूडेंट है। और हम लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो किस तरीके के बुक जो है वो पसंद आते हैं यहाँ पर, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बुक्स तो जो भी हो, फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो, सभी मतलब ज्ञान का ही स्रोत होता है। तो नॉन फिक्शन से रियल जानकारी मिलती है, फिक्शन से कई बार और भी प्रकार के अनुभव मिलते हैं। तो दोनों ही बुक्स तो जो भी हो, जैसे भी हो, अच्छा ही अनुभव देती हैं। तो बुक्स तो बुक्स आर ऑलवेज बेस्ट फ्रेंड्स। आजकल लोग ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते बुक्स पढ़ने को, तो उनको क्या कहेंगे, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट कैसे? छोटी छोटी कहानियों को पढ़ना शुरू करना चाहिए, उसके बाद बड़े नॉवेल्स और उपन्यास के ऊपर जा सकते हैं। बट स्टार्टिंग तो छोटे छोटी छोटी कहानियों से ही करनी चाहिए। कोई एक सजेस्ट करना हो बुक, तो फिर आप कौन सा बुक सजेस्ट? अगर स्टोरी, हिंदी स्टोरी के बारे में कहा जाए, मतलब उपन्यास के बारे में, तो गुनाहों का देवता एक बहुत अच्छी उपन्यास है। और काव्य में भी कहा जाए तो रश्मि रथी दिनकर जी का लिखा हुआ जो एक है रचना, रश्मि रथी बेस्ट है। यहाँ पुस्तक मेला मतलब बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया है। और अभी तो ऑनलाइन डिजिटल सब कुछ फोन में ही देख ले रहे, लेकिन लोग समय का बचत कर रहे हैं, लेकिन पुस्तक जो है उनको हमेशा लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो फोन जो चीज़ पुस्तक में मिलता है वो फोन में नहीं मिलता है। पुस्तक तो लेना ही चाहिए, और मेरे ख्याल से रामायण हमेशा पढ़ना चाहिए और ये महाभारत। तो आपके पास कौन कौन से बुक अवेलेबल हैं? मेरे पास महादेवी वर्मा, जगदीश चंद्र मिश्र और प्रेमचंद्र, उनकी किताबें हैं। दिक मैथमेटिक्स है, जो कि रांची बुक फेयर में हमारे स्टॉल में उपलब्ध है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। वैदिक मैथमेटिक्स में ये 16 सूत्रों पर आधारित ऐसी विधि है कि कोई भारी से भारी बड़े से बड़ा कैलकुलेशन आप 5 सेकंड में कर सकते हैं बिना कॉपी पेन कैलकुलेटर, ये विधि है। और ये क्लास नर्सरी से कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक काम आने वाली किताब है। इसमें 16 सूत्र दिए गए हैं और सारा सूत्र स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। अगर विद्यार्थी हिंदी माध्यम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों के लिए ये अवेलेबल है, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है हमारे पास। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी है, क्योंकि ये नर्सरी से शुरू हो जाता है, टेबल से शुरू हो जाता है। इसमें स्टूडेंट बिना याद के 100 तक टेबल लिख सकते हैं। अच्छा जी। और इसमें 5 सेकंड में कोई सवाल सॉल्व होता है, तो आप बड़े से बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप वैदिक मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सफलता जो है वो 100% निश्चित है। तो बच्चे लेकर जा रहे हैं जी? बिल्कुल, इस पूरे पुस्तक मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ये वैदिक गणित, और इसको सारे बच्चे लगभग एक एक प्रति जरूर ले रहे हैं। हमारे यहाँ सब मल्टीपर्पज सभी तरह की किताबें, साहित्य भी है, धर्म से संबंधी है, राजनीति से भी है, बच्चों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, सभी तरह के बुक जो है लोग सबसे ज्यादा पसंद करके लेकर जा रहे हैं। देखिए, मेले में कौन सा बुक का महत्व नहीं होता है, मेले में पाठक पर निर्भर करता है कि कौन सा मेंटलिटी के लोग आते हैं।
कोई रामायण भी खरीदते हैं तो कोई दूसरे भी उपन्यास भी खरीदते हैं, कोई कहानी भी खरीदते हैं, कोई कविता खरीदते हैं, कोई नाटक खरीदते हैं। इसलिए ये आकलन करना मुश्किल है कि कौन क्या ज्यादा बिक रहा है। आजकल बच्चे उतना ज्यादा किताब नहीं पढ़ते हैं तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसे ई बुक्स भी पढ़ लेते हैं आजकल लोग तो। देखिए समय के मांग के हिसाब से आज अभी उधर डाइवर्ट हुए हैं, लेकिन फिर इधर की ओर डाइवर्ट होंगे। प्रिंट मीडिया के आगे कोई अभी इसका कोई प्रभाव नहीं है। अभी नया नया आया है, अभी बच्चे लोग उसके प्रति उत्सुक है, लेकिन लेकिन उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, आँख के ऊपर, दिमाग के ऊपर? जो आपका सुपर कंप्यूटर दिमाग है वो दिमाग को जो है सो मतलब की मोबाइल खत्म कर रहा है। कल होकर के उनको समझ में आएगा, फिर प्रिंट मीडिया में आ जाएंगे। तो जो लोग नए तरीके से मतलब अभी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको किस तरीके के बुक जो है उसे स्टार्ट करना चाहिए? देखिए स्टार्ट तो मान लिया किस विचारधारा के लोग हैं, किस तरह की चीजें, कोई कहानी पढ़ना चाहते हैं, कोई धार्मिक चीज पढ़ना चाहते हैं, कोई राजनीति से इंटरेस्ट रखते हैं, कोई इतिहास से इंटरेस्ट रखते हैं, तब ना उनको बताएं कि किस तरह की चीज आपको सिंपल वे में मतलब कि आपको बताएं। लेकिन जब तक बताएंगे नहीं तब तक तो हम लोग उसको दिखा नहीं सकते हैं। ये चीज़ हम लोग जितने भी पाठक आते हैं पहले वो किताब उठाते हैं, उसके बाद ही उनके मैं किताबें दिखाता हूँ, ताकि उनके मेंटलिटी को पता चल जाए कि वो किस तरह की चीज़ चाहते हैं, किस तरह के उनको परोसा जा सकता है। एक्चुअली आया हूँ बेटे के लिए कुछ मतलब इसका कहानी का या कुछ वैसा किताब वगैरह जो है। आज छुट्टी का दिन है तो देखेंगे थोड़ा आज निकल मतलब निकलते हैं इसके साथ। तो रीडिंग का मतलब बुक्स पढ़ने का शौक? हाँ शौक है थोड़ा कहानियों का, और मुझे भी बचपन से रहा है, तो काफ़ी दिन बाद लगा है यहाँ पर पुस्तक मेला, तो वही देखने आए थे कि कैसा है। लग रहा है आपको यहाँ? अभी जस्ट एंटर ही किया, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। बाकी इधर में हो सकता है अभी भीड़ थोड़ी कम है, मे बी शाम में थोड़ी होगी। सबसे ज़्यादा किस तरीके की किताब जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए बच्चों के बच्चे साथ आते हैं तो उसमें हमारे पास जैसे बाल साहित्य प्रेमचंद की कहानियाँ, टैगोर की कहानियाँ, अकबर बीरबल है और पंचतंत्र है, और जो वर्ल्ड फेमस क्लासिक्स है उनको हमने हिंदी में लिखा है, उनको हम किशोर उपन्यास कैसे रॉबिन्सन क्रूसो, बहादुर टॉम, इस तरह के हमारे 16 टाइटल हैं। तो बच्चों के लिए वो उस तरह की किताबें ले जाते हैं। शायरी की किताबें जो कि हमारी 1961 में पहले उर्दू में छपती थी, उनको पहली बार हिंदी देवनागरी में हमारे यहाँ से पब्लिश हुई, में जैसे गालिब इकबाल, फैज, सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, शायर लुधियानवी, ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उसके बाद हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब है उनकी किताब इंडोमिटेबल स्पिरिट, उसका हिंदी वर्जन अदम्य साहस, फॉर योर फ्यूचर, और उसका हिंदी वर्जन है आपका भविष्य आपके हाथ में, स्पिरिट ऑफ इंडिया और भारत की आवाज़। कलाम साहब के बच्चन साहब का आत्मकथा 4 वॉल्यूम में, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर दस द्वार से सोपान तक, आचार्य सत्य चतुर सैन है, वैशाली की नगर वधु, 4 पार्ट में उनका सोना और खून है, और वयम रक्षामा, गोली, धर्मपुत्र, और सब तरीके और मानस का हंस जो कि तुलसीदास के ऊपर। उसके बाद हम जो एक नई सीरीज लेकर आए कालजय कवि और उनका काव्य, उसमें अमीर खुसरो बहादुर, अमीर खुसरो हो गए, कबीर हो गए, तुलसीदास, मीरा, जो हमारे कवि रहे हैं जो कि आज से 300-400 साल पहले, उनकी हमने किताबें पब्लिश की जो लोग काफ़ी अच्छा पसंद कर रहे हैं। उसके बाद शब्दकोश है हमारा डॉक्टर हरदेव भारी का, वो भी लोग खरीद कर ले जा रहे हैं। अमृता प्रीतम हमारे पास है, आवारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा शरद चंद्र की जीवनी पर लिखा गया एक क्लासिक्स है। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पर हर तरीके के बुक जो है मौजूद है बच्चों के लिए, कॉमिक से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ राजनीति से जुड़े भी कई किताब आपको मिलेंगे और हर भाषा में आपको यहाँ पर किताब मिलेंगे। तो आप अगर यहाँ पर नहीं आए हैं तो ज़रूर आए और हमें बताएं कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।